हेलो एवरीवन, मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 है। अभी हम लोग देख लेते हैं 15 से लेकर के 22 तक का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होगा। तो 16 नंबर क्या बोल रहा है? 16 नंबर में है, 16 नंबर में टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ठीक है, 2x माइनस 3x प्लस ई के पावर एक्स डीएक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर एक्स डीएक्स माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डीएक्स। क्लियर है? और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन कितना होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। तो उस हिसाब से यहां पर एक्स के पावर 1 है, एक्स के पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 नीचे में भी। माइनस 3 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो यहां पर यूज करेंगे साइन एक्स और साथ में ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस सी। तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स प्लस 5 रूट एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, बारी बारी से सबका करते चले जाएंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x के पावर 3 बाई 3 माइनस 3 साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स। क्लियर है? उसके बाद प्लस इसका कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स के पावर 1/2 पहले से है तो 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 एक्स क्यूब, 2/3 एक्स क्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 3 कॉस एक्स और उसके बाद प्लस ये आ जाएगा 3/2 प्लस 5 इंटू यहां पर ये दोनों को सम करेंगे तो 3/2 आएगा और 2 हमारा फिर ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू 2 हम लोग 10 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10/3 और 10/3 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3/2 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 sec x इंटू sec x प्लस tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x और इसमें मल्टीप्लाई करना है हम लोग को sec x से, sec x dx क्या होगा इसका, इक्वल टू पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x और dx। मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं और जब भी मल्टीप्लाई में रहे तो पहले सॉल्व करके उसको एक साथ लिख लेता है। उसके बाद sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x, tan x हो जाएगा और sec x इंटू tan x का कितना होता है, sec x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा सिंपल था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं उसके बाद 19 कर लेंगे। तो 20 है 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहले तो इसको अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है।
तो ये हो जाएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन, साइन बटा कॉस कितना होगा tan, 3 साइन एक्स बटा क्या लिख सकते हैं cos x इंटू cos x। ठीक है, और इसको नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटा कॉस कितना देगा हमको tan देगा, 3 tan x इंटू कॉस का एक बटा कॉस एक्स क्या देगा sec x, तो tan x इंटू sec x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए हमको कितना दे देगा sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x होता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, और sec x इंटू tan x का क्या होता है sec x इंटू tan x का sec x होता है। तो ऊपर में लिख लेंगे 2 sec स्क्वायर x का tan x और साथ में माइनस 3 sec x इंटू tan x क्या हो जाएगा sec x प्लस सी, ये हो जाएगा फाइनल आंसर इसका। क्लियर है? उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, 19 नंबर है sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x बटा cos x स्क्वायर x दिया है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 बाई tan स्क्वायर x, सॉरी 1 बाई cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x और cos x स्क्वायर हो जाएगा 1 बटा sin स्क्वायर x, एक नीचे और sin ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर x, मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x dx, या फिर बेस्ट होगा हम लोग क्या करते हैं साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, तो ए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग कर लेते हैं दोनों को 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 इतना डी एक्स, तो ए कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर एक्स और माइनस 1 डी एक्स। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, तो हो जाएगा tan x और प्लस माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो इतना प्लस सी, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा 20 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 नंबर है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 21 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, इसको क्या करेंगे सबसे पहले तो x का तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो x को पावर कर देते हैं 1/2 और प्लस यहां पर x के पावर माइनस 1/2। ठीक है, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स इज इक्वल टू x के पावर 1/2 और जब 1/√x करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x के पावर 1/2 और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लिए माइनस 1/2 और साथ में इंटीग्रेशन करना है dx, तो इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 और प्लस x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, और इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर देगा 3/2 बटा 3, 2 ऊपर चला जाएगा और a प्लस 1/2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा, x के पावर 1 माइनस हाफ कितना आएगा हाफ प्लस सी, अब चाहे तो इसको अंडर रूट लिख सकते हैं 1/2 हटा करके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 21 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है डी बाई डी एफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x के पावर 4। ठीक है, 3/x के पावर 4 है, तो इसको हम लोग को क्या करना है f2 का वैल्यू दिया हुआ है तो fx का वैल्यू कितना होगा, f2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है
तो पता करना है कि fx का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से fx कैसे निकालेंगे, fx यहां पर लिख सकते हैं dfx is equal to 4x cube minus 3 बट और x के पावर माइनस 4 कर लेते हैं, x के पावर 4 नीचे प्लस है, ऊपर जाकर के माइनस 4 हो जाएगा और इतना dx लिख सकते हैं। और जब fx निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देगा 4x के पावर 4 बाई 4 माइनस 3 इंटू एक्स के पावर माइनस 4 प्लस 1 बटा माइनस 4 प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा x के पावर 4 माइनस यहाँ पर माइनस 3 देगा, माइनस माइनस प्लस 4 में से एक गया माइनस 3 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और साथ में 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x के पावर माइनस 3 प्लस c, ठीक है। अब एक तो और वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, f2 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, लिखा हुआ है f2 is equal to 0, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर x के जगह पर 2 पुट कर लेंगे, तो f2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16, और ये हो जाएगा 1 बटा 2 के पावर 3 प्लस 1 बटा 2 के पावर 3 8 और प्लस c, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 0, तो यहां से c का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 1 बटा 8 माइनस 16, ठीक है। ये वैल्यू हमारा प्लस में ही होगा, तो यहां से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों को देगा माइनस 1 माइनस 16 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 12 128 डिवाइडेड बाय 8, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 129 बटा 8, ये हमारा सी का वैल्यू हो गया। तो अब हम लोग को फाइनली निकालना क्या है एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो एफ एक्स का वैल्यू इसमें हम लोग क्या करना है सी ऐड कर देना है, एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 3 माइनस 129 बटा 8, ये हमारा फाइनल वैल्यू आएगा एफ एक्स का। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 7.2 में, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, थैंक यू।